hello students today in this video we will do our remaining lesson the hundred dresses part two we will start at the page number 78 of the ncrt book the passage is you you remember wanda patronsky लाइन इज यू रिमेंबर वंडा पैथरोंस की द गिफ्टेड लिटल आर्टिस्ट हुन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट ये लाइन है तो मिस मिसन क्लास को बताती है कि यू रिमेंबर क्या आपको याद है वंडा पैथ्रॉन्स की वंडा पैथरस की द गिफ्टेड आर्टिस्ट द गिफ्टेड मीनिंग गिफ्टेड, इंटेलिजेंट यूनिक आर्टिस्ट कलाकार हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट जिसने ड्राइंग प्रतियोगिता जीती क्या आपको वनडा पैथरस की याद है वो गिफ्टेड आर्टिस्ट आर्टिस्ट भगवान के द्वारा गिफ्टेड गॉड ब्लेसड आर्टिस्ट जिसने चित्रकारी प्रतियोगिता जीती क्या वो आपको याद है वेल well, ठीक है हाँ सी हैज़ रिटर्न मी उसने मेरे को एक पत्र लिखा है एंड आई एम ग्लैड टू नो और आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ टू नो जान करके कि वे सीली उसकी वहाँ कहाँ रहती है यह जान करके कि मैं वह कहाँ रहती है यह जान के कि वह कहाँ रहती, रहती है इस बात को जान के मैं मुझे खुशी है मैं खुश हूँ बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल बिकॉज क्योंकि नाव अब आई कैन स्टैंडर मैं उसे भेज सकती हूँ मेडल में नहीं उसका मेडल क्योंकि मैं उसे अब उसका मेडल भेज सकती हूँ आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू आई want मैं चाहती हूँ टू रीड पढ़ के सुनाना हर लेटर उसका पत्थर टू तो यू में नहीं आपको मैं आपको उसका पत्थर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ द क्लास सेटअप विद सडन इंटरेस्ट class, class कक्षा सेटअप बैठ गई विदन सडन में अचानक पैदा हुई इंटरेस्ट में रुचि कक्षा अचानक पैदा हुई रुचि के साथ बैठ गई एंड लिसन इंटेंटली एंड लिसन नहीं सुना इंटेंटली मैंने ध्यानपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनने लगे ये लेटर वांडा की के द्वारा लिखा गया किसको मिस मैसन को और मिस मैसन क्लास को पढ़ के सुनाती है डियर मिस मेसन प्रिय मिस मेसन हावआर यू एंड रूम थर्टीन हाव आर यू आप कैसे हैं एंड रूम थर्टीन में नहीं और तेरह नंबर रूम में स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज़ हंड्रेड ड्रेसिस प्लीज़ कृपया करके टेल द गर्ल्स लड़कियों को बताना दे कैन कीप वे रख वे रख सकती हैं दोज हंड्रेड रेसिस वो सो पोशाकें हैं कृपया करके लड़कियों को बताना कि वे सो पोशाक के अपने पास रख सकती हैं बिकॉज़ इन माई न्यू हाउस क्योंकि मेरे नए घर में आई हैव आई हंड्रेड न्यू वंस आई हैव मेरे पास हैं हंड्रेड न्यू वंस मीनिंग और सो नई यानी कि इनके अलावा सो नई ड्रेसेस और हैं आइंड अप इन माय क्लोजेट आल मीनी सभी लाइंड अप मीनिंग पंक्ति में लगी हुई हैं इन माय क्लोजेट मीनिंग मेरी अलमारी में और मेरी इनके अलावा सौ पोशाकें हैं वो मेरी अलमारी में एक पंक्ति में लगी हुई हैं आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ड्रीमिंग आई वुड लाइक मैं चाहूंगी द गर्ल पैगी पैगी नाम की लड़की टू हैव द ड्राॅइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस टू हैव ले लेगी द ड्राइंग मिनी चित्रकारी ऑफ द ग्रीन ड्रेस हरी ड्रेस वाली विद द रेड ड्रीमिंग्स विद मिनी के साथ रेड ट्रिमिंग्स में नहीं लाल गोटा ट्रिमिंग्स में नहीं गोटा पट्टी लगी हुई गोटा या पट्टियाँ लगी हुई तो मैं चाहती हूँ चाहूंगी कि पैगी नाम की लड़की है वो गोटा पट्टी लगी हुई हरे रंग की ड्रेस की चित्रकारी ले सकती है एंड अर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन एंड अर फ्रेंड और उसकी मित्र मैडी मैडी पैगी की मित्र मैडी टू हैव ले सकती है ब्लू वन में नहीं नीली पोशाक वाला चित्र ले सकती है फॉर क्रिसमस क्रिसमस के समय आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू आई मिस दैट स्कूल मुझे स्कूल की बहुत याद आ रही है एंड और माई न्यू टीचर मेरी नई अध्यापिका डज नॉट इक्वलाइज यू इक्लाइज नहीं समान समान होना बराबर होना और मेरी नई टीचर है ना वो आपकी बराबरी की नहीं है मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी मैरी क्रिसमस क्रिसमस की शुभकामनाएं टू यू आपको एंड एवरीबॉडी में प्रत्येक को आपको तथा सभी को शुभ मैरी क्रिसमस क्रिसमस की शुभकामनाएं आर ट्रूली सचमुच आपकी वांडा पैथ्रॉन्स की वांडा पैथरस की ये लेटर वांडा पैथ्रॉन्स की पढ़ के मिस मैसन ने सुनाया ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल नवी लीड टू द नेक्स्ट पैसेज आफ्टर द लेटर ऑन द वे होम ऑन द वे होम घर जाते समय फ्रॉम स्कूल में स्कूल से मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली मैगी और पैडी मैडी और पैगी ने हेल्ड पकड़े हुए थे देयर ड्राइंग्स में अपने चित्र वेरी केयरफुली बहुत सावधानीपूर्वक घर स्कूल से घर जाते समय मैडी और पैगी ने अपने चित्र सावधानी पूर्वक पकड़े हुए थे ऑल द हैड रीत एंड होली इन ऑल द दाउसीज सभी घरों में हैड मिनी थी रीत मिनी मालाएँ एंड होली मिनी बस झाड़ी इन द विंडोज मिनी खिड़कियों में तो सभी घरों में और घरों की खिड़कियों में रीत मिनी मालाएँ और छोटी छोटी झाड़ियाँ सजावट के लिए जो बनी हुई होती हैं जिनके रेड और ए, ए, शाइनिंग और रेड लीव्स होते हैं वो पत्तियाँ क्रिसमस के अवसर पर घर में और खिड़कियों में जैसे वो झाड़ियाँ और मालाएँ क्रिसमस के अवसर पर घर में और खिड़कियों में लगाया लगाई हुई थी लगी हुई थी आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर आउटसाइड के बाहर द ग्रोसरी नहीं किराने का स्टोर मिनी दुकान किराने की दुकान के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैकड हंड्रेड्स मिनी सैकड़ों क्रिसमस ट्री मिनी क्रिसमस के पेड़ वर स्टैक्ड मिनी स्टैक्ड मिनी सजा के लगाना डिस्प्ले करना अंड इन विंडो और खिड़की में तो आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर किराने की दुकान के बाहर सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैकड सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ डिस्प्ले किए हुए थे बेचने के लिए एंड इन द विंडो और खिड़की में कैंडी पिपरमेंट स्टिक्स खिड़की में कंडी पीपरमिंट पीपरमिंट की मीठी पीपरमिट यानी कि गोली वगैरह स्टिक्स में नहीं जो स्टिक नुमा कंडी पिपरमेंट होती हैं एक त, एक प्रकार की टोफी जो स्टिक पे लगी हुई होती है वो खिड़कियों में लगाई हुई थी मिट्टी की करमेंट पीपरमेंट की गोलियाँ लगाई हुई थी इन विंडो में खिड़कियों में एंड कॉपीज ऑफ साइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग एंड कॉनकॉपी कौन कॉपीज डेकोरेटिव कंटेनर्स कौन कॉपीज में डेकोरेटिव कंटेनर्स यूजली ऑफ़ फ्लोवर्स एंड फ्रूट्स तो कौन का, कौन कौन का कॉपीज कॉपीज डेकोरेटिव कंटेनर्स हैं बॉक्स वगैरह और साइनी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट पेपर और जो ढके हुए थे साइनी में नहीं चमकदार ट्रांसपेरेंट में नहीं पारदर्शी पेपर में नहीं कागज सी वंग वो स्टंग में पिरोए हुए थे और सजावटी पात्र ट्रांसपेरेंट पेपर से ट्रांसपेरेंट पेपर पारदर्शी कागज़ से व में बनाए हुए थे पिरोकर बनाए हुए थे और डेकोरेटिव गमले वगैरह बर्तन वगैरह उनको ट्रांसपेरेंट कागज़ से स्ट्रंग किया हुआ था बनाए हुए थे पिरोए हुए थे द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग डिफरेंट क्लैर ऑन द स्नो द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस हवा में स्मेल्ड बनी नहीं सुगंध आ रही थी सुगंध आ रही थी लाइक क्रिसमस में क्रिसमस जैसी हवा में क्रिसमस जैसी सुगंध आ रही थी एंड लाइट शाइनिंग और लाइटें शाइनिंग में नहीं चमक रही थी एवरीवेयर हर जगह रिफ्लेक्टेड में नहीं उनका प्रतिबिंब आ रहा था डिफरेंट कलर्स अनेक रंगों का उन स्नो में नहीं बर्फ़ पर और लाइटों के चमकने से हर जगह बर्फ पर रंग बिरंगा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था जब विभिन्न डिफरेंट कलर्स की लाइटें चमक रही थी तो स्नो पे उनका रिफ्लेक्शन हो रहा था सब हर, हर जगह एवरी में मीनी हर जगह एवरी बॉय सैड हर सॉरी बॉय सैड सैड लड़की ने कहा पैगी पैगी दिस शॉज सीरियली लाइक्स अस बॉय बॉय मीन्स हेयर वह सैड पैगी पैगी ने कहा दिस सोज यह दर्शाता है सी रियली लाइक्स अस यह वास्तव में हमें पसंद करती है चाहती है यहाँ पे बॉय का मतलब वाह सरप्राइज का सिंबल है सरप्राइज को सिंबलाइज कर रहा है सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है बॉय वर्ड सैड पैगी पैगी ने कहा पैगी ने कहा वाह दिस सोज सी लाइक्स एस यह दर्शाता है कि वह हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती है चाहती है इट ओउ सी गोट टावर लेटर इट ओज ये दर्शाता है कि सी गो लेटर उसे हमारा पत्र मिल गया एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड दिस इज़ हर वे और यही उसका तरीका ऑफ सेइंग कहने का दैट कि एवरीथिंग इज ऑल राइट ये सब ठीक ठाक है और यही उसका कहने का तरीका है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है एंड दैट्स दैट्स दैट और अब दैट्स दैट मीन और आगे का जो मामला है वो डिस्प्यूट है नाराजगी है वो ख़त्म हो गई दैट्स दैट मीन कोई चीज़ खत्म होना एंड होना और अब बात खत्म हो गई द नेक्स्ट पैसेज लाइन इज आई होप सो सैड मैडी सैडली आई होप सो मुझे भी ऐसी आशा है सैड मैडी मैडी ने कहा सैडली मीनी उदासी पूर्वक दुख के साथ कहा सी फेल्ट सैड उसे उदास महसूस हो रहा था बिकॉज क्योंकि सी न्यू उसे जान उसे पता था सी वुड नेवर सी वह कभी नहीं मिल पाएगी द लिटल टाइट लिप्ट छोटी सख्त होठों वाली पोलिस गर्ल में पोलैंड की गर्ल से अगेन में नहीं दोबारा वह उदास इसलिए थी क्योंकि बिकॉज क्योंकि सी न्यू उसे पता था कि सी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लिप्ट पोलिस गर्ल अगेन कि वह कभी भी छोटी टाइट लिप्स लिपड सख्त होठों वाली पोलैंड की गर्ल से दोबारा नहीं मिल पाएगी इस कारण से वह उदास थी एंड कुडेंट कौन थी उदास मेडी कुडेंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम कुडेंट एवर और ना ही कभी मेक थिंग्स राइट मीनी चीज़ें व्यवहार घटनाएं, राइट में सुधारना बिटवीन दै मिनी उनके बीच में और मैडी ने सोचा कि और कभी भी उनके बीच में जो नाराज़गी है वो राइट कभी भी नहीं होंगी जो नाराज़गी वाली थिंग्स हैं बातें हैं उनके बीच में वो कभी भी ठीक नहीं होंगी कभी भी उनमें सुधार नहीं हो पाएगा अब

जहाँ पे दीवार दीवार पे लगा हुआ कागज़ फटा हुआ था वहाँ पे इन द पिंक फ्लोवर्ड पिंक फ्लोवर्ड में नहीं पिंक में नहीं गुलाबी फ्लोवर में फूलों से युक्त वाल पेपर में नहीं दीवार के कागज पर इन द बेडरूम में नहीं सैनकक्स में सेनकक्स में गुलाब के फूलों वाला जो वॉलपेपर पेपर था वहाँ पे कुछ टोर्न हुआ हुआ था वो वो वॉलपेपर पिंक फ्लोवर्ड वॉलपेपर फटा हुआ था किसी जगह पे उस फटी हुई जगह पे उसने अपनी ड्राइंग को पिंड कर दिया पिंड से लगा दिया तो सी वेंट होम व घर गई सी पिंड हर ड्राइंग और ए टन प्लेस उसने एक फटे हुए कागज वाले स्थान पे अपनी ड्राइंग को पिंक कर दिया कहाँ पे इन द पिंक फ्लोवर्ड वॉलपेपर गुलाबी फूलों वाले दीवार के कागज दीवार का कागज़ का जो एक जगह से फटा हुआ था सैन कक्ष में उस फटे हुए स्थान पे उसने अपनी ड्राइंग को पिंड कर दिया पिंड से लगा दिया दसेबी रोम के मलिव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स दसेबी में नहीं वो बद्दा दिखाई देने वाला रूम में नहीं कमरा के मल्यू संजीदा हो गया चमक उठा सजीव उठा फ्राम द ब्रिलियंसी में नी चमकें ऑफ द कलर्स में ही रंगों की रंगों की चमकसे वो बद्दा कमरा सजीव हो उठा चमकने लगा मैडी सेट डाउन ऑन हर बैड मेडी मेडी सेट डाउन में नहीं बैठ गई ऑन हर बैड में बैड पर एंड लुक डेट द ड्राॅइंग और चित्र को देखने लगी सी हैड स्टूड बाई एंड सैड नथिंग सी हेड स्टूड बाई व पास खड़ी रहती थी ड न थिंग और कुछ नहीं करती थी अब वो फिर पीछे की बातें सोचती है कि वही मैं तो सिर्फ जब मजाक कर रही होती थी लड़कियां तो मैं तो सिर्फ खड़ पास में खड़ी हो जाती थी एंड सैड न और कुछ नहीं करती थी बट वांडा हैड बिन नाइस टू हर एनी लेकिन अब विचार करती है वांडा वांडा हैड बिन नाइस अच्छी रही सही रही उसका व्यवहार सही रहा वंडा का किसके प्रति मैडी के प्रति एनी वे नहीं जो कुछ भी हो किसी भी तरह से लेकिन जो कुछ भी हो किसी भी तरह से वंडा का मेरे प्रति व्यवहार अच्छा रहा नव वी लीड टू द नेक्स्ट पैसेज एंड द नेक्स्ट पेज पेज नंबर सेवेंटी नाइन द पैसेज लाइन इज टीयर्स ब्लड हराइज एंड सीगेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर टीयर्स आंसुओं ने ब्लड नहीं धुंधला करना हराइज उसकी आँखों को आँसुओं से उसकी आँखें धुंधली हो गई यानी उसको दिखाई धुंधला दिखाई दे रहा था टीयर्स के कारण एंड सीगेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर सीगेज उसने देखा लॉन्ग टाइम भी नहीं लंबे समय तक एट द पिक्चर में चित्र को वह लंबे समय तक चित्र को देखती रही देन हेस्टिली हेस्टिली में शीघ्रता से तेजी से एंड इंटेंटली उसने रगड़ी रबड में रगड़ना हराइज अपनी एंड स्टडीड इट स्टडीड मिनी अध्ययन किया देखा इट मिनी चित्र का इंटेंटली मीनिंग ध्यानपूर्वक अत्यधिक ध्यान से उसने अपनी आँखों को मला और चित्र का गहन अध्ययन किया ध्यान पूर्वक देखा द कलर्स इन द ड्रेस वर ड्रेसो विविड दैट हैड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग द कलर्स रंग ऑफ द इन द ड्रेस उस ड्रेस में वर वर्षो विविड इतने सजीव थे इतने संजीदा थे इतने रियल दिखाई देने वाले थे इतने स्पष्ट थे रंग दैट की सी हैड स्केसली स्केशली हार्डली नोटिस ध्यान में आया द फेस मीनिंग चेहरा एंड हेड मीनिंग सर यानी कि अपर पार्ट ऑफ द पिक्चर ऑफ द ड्राइंग मीनिंग ड्राइंग का तो उस ड्राइंग में उस ड्रेस के कलर्स इतने विविड थे इतने सजीव थे इतने स्पष्ट थे इतने संजीदा थे कि उसे ड्राइंग का फेस एंड हैड ध्यान नहीं आया कि वो फेस और हैंड हेड किसका बना हुआ था चेहरा और सर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी किसका बना हुआ था बट इट लुकड लाइक हर बट लेकिन इट मिनी या चेहरा और सर लुकड दिखाई दे रहा था लाइक हर मिनी उसके जैसा लेकिन मैडी ने देखा कि जो ड्राइंग का चेहरा और सर था वो उसी का जैसा था मैडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ओवन माउथ अब उसने सोचा कि मैडी मैडी इट लुक्ड बट इट लुकड लाइक हर मैडी लेकिन ये मैडी जैसा ही दिखाई दे रहा था इट लुकड लाइक हर ओवन माउथ उसके खुद के मुंह जैसा दिखाई दे रहा था उसके खुद के चेहरे जैसा दिखाई दे रहा था वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओवन सेल्फ वाई क्यों इट मिन है रियली वास्तव में लुक्ड दिखाई दे रहा था लाइक हर ओवन सेल्फ उसके खुद के जैसा वास्तव में यह yeah, उसके खुद के जैसा उसके खुद के चेहरे जैसा और शर जैसा क्यों दिखाई दे रहा था वंडा हैड रियली ड्र दिस फॉर हर वंडा वंडा ने रियली वास्तव में ड्रान में नहीं बनाया था दिस में नहीं है पिक्चर फॉर हर में उसके लिए अब वो सोचती है कि वांडा ने वास्तव में यह तस्वीर यह ड्राइंग, स्पेशली उसके लिए बनाया था एक्साइटेडली सीरेन ओवर टू पैगीज एक्साइटेडली मीनी उत्साहित होकर के उत्तेजित होकर के सीरेन ओवर वह दौड़ के गई टू पैगीज मीनी पैगी के घर उत्साहित होकर के वह पैगी के घर दौड़ के गई पैग सी सैड लेट मी सी योर पिक्चर पैग कहा उसने किसी ने कहा मैडी ने उसके घर दौड़ के गई और कहा पैग लेट मी सी मुझे दिखाओ यार पिक्चर अपना चित्र मुझे अपने वाला चित्र दिखाओ वट इज दैट वट इज द मैटर क्या बात है आस्क पैगी पैगी ने पूछा एज द कलेक्टेड टू हर रूम वेरवान ड्राइंग फेस डाउन ऑन द बेड एज जब कलेक्टेड कलेक्टेड मीन स्टेपिंग नॉइस कदम रखने की आवाज़ अप टू हर रूम उसके कमरे में जब वे उसके कमरे में ऊपर क्लेटर करते हुए पैरों आवाज की आवाज़ करते हुए करते हुए गई where वांडाज ड्राॅइंग जहाँ पे वांडा का चित्र वाज लाइंग फेस डाउन फेस डाउन मैंने उल्टे मुंह यानी कि फेस बेड की साइड में था द बेड में नहीं बैड तो वे क्लटर्ड करते हुए पैरों का शोर करती हुई वंडा के रूम सॉरी पैगी के रूम में गई जहाँ पे वंडा के द्वारा बना हुआ बनाया हुआ चित्र फिश डाउन पड़ा था तो ड्राइंग वाज लाइंग फिश डाउन इन द बेड जहाँ पे बेड पे वंडा के द्वारा बनाया हुआ पैगी का चित्र फेस डाउन होके पढ़ा था यानी कि उल्टे मुँह पढ़ा था मैडी क्लियरली केयरफुली मेडी मेडी ने केयरफुली सावधानी पूर्वक रेजड उठाया इटमिन इसे मैडी ने इस पिक्चर को इस तस्वीर को इस ड्राइंग को सावधानी पूर्वक उठाया आई से सैड पैगी आई से मैंने क्या कहा था सैड पैगी पैगी ने कहा पैगी ने कहा मैंने क्या कहा था शी मस्ट हैव रियली लाइक दर्स एनी वे एनी anyway, मिनी जो कुछ भी हो किसी भी तरह से सी मस्ट हैव रियली वास्तव में लाइक मिनी हमें पसंद करती थी वास्तव में हमें पसंद करती थी यस शी मस्ट हैव एग्रीड मेडी वी आर रीडिंग द लास्ट पैसेज ऑफ द लेसन द लाइन इज यस सी मस्ट हैव एग्रीड मेडी यस yes, हाँ सी मस्ट है वह हमें पसंद करती होगी एग्रीड मैडी मैगी मैडी ने सहमति व्यक्त की एंड सी ब्लिंकड अवे दैट ईयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड स्कूल यार्ड लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ आफ्टर सी हैड सैड श्योर ए हंड्रेड of them all the line up. So here Maddie again think about past incidents when the girls used to make fun of her and she used to stand in the yard of the school and after making fun after the girls had make fun of her then she would say श्योर ए हंड्रेड ऑफ दैम आल लाइन इन सब के बारे में पीछे की घटनाओं के बारे में मैडी फिर से विचार करने लगी यस सी मस्ट है भी कहा कि हाँ हमें पसंद करती है एंड सी ब्लिंकड अवे दैट ईयर्स सी मिनी वै ब्लिंक्ड अवे मिनी आंखें झपकाना और झपका करके आंसू गिराना सिबलिंग डवे दट ईयर्स वह आंखें जब करके आंसू गिरा रही थी दैट मीनी जो आंसू केम आ जाते थे एवरी टाइम हर समय सी सीथोट जब वो सोचती थी ऑफ वंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पोर्ट वंडा वंडा के स्टैंडिंग अलोन में अकेले खड़े होने के बारे में इन दैट सनी स्पोर्ट उस सनी स्पोर्ट में जहाँ पे धूप आती थी धूप वाला स्थान सनी मिन धूप वाला स्पोर्टमनी स्थान इन द स्कूल यार्ड में स्कूल के आंगन में स्कूल के आंगन में उस धूप वाले स्थान पे जब वांडा अकेली खड़ी होती थी और उस घटना के बारे में जब वो सोचती थी कौन मेडिस सोचती थी एवरी तो टाइम टीयर्स केम इनराइज एंड सीबलिक अवे द टीयर्स हर समय जब वो उसके बारे में सोचती थी कि कैसे वांडा धूप वाली जगह अकेली स्कूल के आंगन में खड़ी होती थी और किस तरह लड़कियाँ उनसे उससे मजाक करती थी तो हर समय जब वो सोचती थी ये बात तो एवरी टाइम टीयर्स केम इन अराइज उसकी आँखों में आंसू आ जाते थे लुकिंग स्टोलिडली ओवर द ग्रुप ऑफ द लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ लुकिंग मिनी देखने के बाद स्टोलिडली मिनी स्टॉलिडली बिना किसी विशेष ध्यान के बिना किसी रेस्पॉन्स के भावसून्य ढंग से तो लुकिंग स्टॉलिडली लुकिंग में नहीं देखती थी स्टॉलिडली मैंने भावशून्य ढंग से बिना किसी रिएक्शन दिए ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स ओवर मैंने की तरफ लाफिंग गर्ल्स में हँस रही लड़कियों के समूह की तरफ आफ्टर सी हड ऑफ आफ्टर सी हड ऑफ मिन उसके उसके जब वो लड़कियां उसके उसकी तरफ देख करके हंसती थी तो उसके बाद सी हड ऑफ वह चल जाती थी कौन चले जाती थी कौन वांडा पैथ्रॉन्स की कैसे लुकिंग स्टोलिडली लुकिंग में देखते हुए स्टोलिडली मैंने भाव शून्य ढंग से बिना किसी रिएक्शन दिए हुए हैं तो जब लड़कियां सनी स्पॉट पे स्कूल के यार्ड में उसके साथ मजाक करती थी तो वंडा लुकिंग स्टोलिडली ओवर द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स लुकिंग स्टोलिडली भावसुन्य ढंग से देखती थी और द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स हंसती हुई लड़कियों के समूह पर भावसुन्य ढंग से देखती हुई सी वाकडोफ वे चली जाती थी कौन वांडा बिना किसी रिएक्शन के सिर्फ क्या बोलती थी आफ्टर सी हैड सैड सिर्फ यह बोलती थी जाने से पहले या उनके हंसने के बाद जब वो हंसी करती थी तो उनके मजाक के बाद सिर्फ सी हेड सेड वो कहती थी कि श्योर हाँ निश्चित रूप से ए हंड्रेड ऑफ दैम मेरे पास सो पोशाकें हैं ऑनलाइन अप और सभी पंक्ति में लगी हुई है तो जब लड़कियाँ उसका मजाक करती थी तो मजाक करने वाली लड़कियों की तरफ वो लुकिंग स्टोलिडली और द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स मजाक करने वाली लड़कियों की तरफ बासूम ढंग से बिना किसी रिएक्शन दिए देखती थी और आफ्टर सी हेडसेट जब वो कह देती थी सी हेडसेट में जब वो कह देती थी क्या कह देती थी श्योर अनिश्चित निश्चित रूप से ए हंड्रेड ऑफ दैम सो पोशाक आ लाइन अप सभी पंक्ति में लगी हुई है यह कहने के बाद सी हेड ऑफ वह चली जाती थी कौन वंडा डा की तो ये सब बातें मेडी याद करती है और जब भी याद करती है तो टी केम इन टूअर आइज उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं तो वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन हंड ड्रेसिज आई थिंक यू हैव गोट इट ट्राई टू रीड इट यूअर्सेल्स ऑल्सो इफ यू वॉन्ट रीड यूरसेल्स If you want to do self study of the lesson, maybe you wouldn't be able to understand it. Try to read the lesson yourselves, also, students. Thank you very much.